हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का आज के नित्यम भागवत सेवया के इस सत्र में बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आज हम जो श्लोक लेंगे वह है प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय, समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण से है। तो इसमें जो हम श्लोक लेंगे वह है श्लोक संख्या 10। श्लोक संख्या 10, 11 एवं 12, ऐसे तीन श्लोक लेंगे जिनमें भगवान के पंचम अवतार एवं षष्ठम अवतार एवं सप्तम अवतार, तो तीन अवतारों का इसमें उल्लेख है इन तीनों श्लोकों में। अभी हम पिछला जो श्लोक लिया था श्लोक संख्या 9, उसमें भगवान का नर एवं नारायण अवतार का उल्लेख था। तो अभी जब हम श्लोक लें उससे पहले भगवान नाम का कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात श्लोक का अनुवाद के साथ में तात्पर्य, जो कि हमारे इस्कॉन संस्थापकाचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद जी द्वारा दिए गए हैं, उन्हीं अनुवादों का हम पठन करेंगे। तो आइए चलिए कीर्तन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय उपिजन बल्लभ जय गिरवरधारी, जय उपिजन बल्लभ जय गिरवरधारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम
जय गौर हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव गुरुदेव बात परमहंस प्रभाज का चार अष्टोत्तर शशि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार श्री हरिदास ठाकुर प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री बादशादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गोवर्धन की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा महारानी की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज श्री गुरु एंड गौरांग शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जया मुदीरेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिको। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो दसम श्लोक पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशाः काल विप्लुतम् सिद्धेशाः काल विप्लुतम् प्रोवाचा सूर्ये सांख्येयं तत्त्वग्राम विनिर्णयम्। पंचम कपिलो नाम सिद्धेशा काल विप्लुतम् प्रोवाचा सूर्ये सांख्येयं तत्त्वग्राम विनिर्णयम्। शब्दार्थ पंचम यानी पांचवा, कपिलः कपिल, नाम नामक, सिद्धेशा सिद्धों में श्रेष्ठ, काल समय द्वारा, विप्लुतम नष्ट, प्रोवाच कहा, आसुरये आसुरी नामक ब्राह्मण से, सांख्यम सांख्य शास्त्र तत्व ज्ञान, तत्वग्राम सृष्टिकारी तत्वों का समूह, विनिर्णयम भाष्य अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। भगवान कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम से यह ज्ञान विनिष्ट हो चुका था। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है। सांख्य दर्शन में इनमें से प्रत्येक तत्व की विशद व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन को यूरोपीय विद्वानों द्वारा
सामान्य रूप से तत्व दर्शन कहा जाता है। सांख्य का व्युत्पत्ति परक अर्थ है जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा अच्छी तरह से व्याख्या करे। भगवान कपिल ने इसे सर्वप्रथम किया, जिन्हें यहाँ पर पांचवा अवतार कहा गया है। तो इस प्रकार से जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा अच्छी तरह से व्याख्या करे, तो ऐसी व्याख्या भगवान कपिल ने सर्वप्रथम की और भगवान कपिल को यहां पर पांचवा अवतार बताया गया है। अभी हम श्लोक संख्या 11 लेते हैं। षष्ठम अत्रे अपत्यत्वम् व्रतः प्राप्तो अनसूयया आनभिक्षिकीमम् अलकार्य प्रहलाद आदिभ्य उचीवाना। षष्ठम अत्रे पत्यत्वम् व्रतः प्राप्तो अनसूयया आनभिक्षिकीमल कार्या प्रहलादिभ्य उचीवाना। शब्दार्थ, षष्ठम छठवां, अत्रे अत्रिका, अपत्यत्वम पुत्र पुत्रत्व, व्रतः मांगने पर, प्राप्तः प्राप्त किया गया, अनसूयया अनसूया द्वारा, आनवीक्षिकम अध्यात्म के विषय पर, अलकार्य अलर्क को, प्रहलाद आदिभ्य प्रहलाद तथा अन्यों को उचीवान बताया। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे, वे अनसुईया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क प्रहलाद तथा अन्यों यदु हेहय आदि को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। तात्पर्य, रूपा जी द्वारा भगवान ऋषि अत्रि तथा अनसुईया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मांड पुराण में पतिव्रता पत्नी के प्रसंग में भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेने की कथा का वर्णन हुआ है। उसमें कहा गया है कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझसे वर मांगने को कहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। उन्होंने यह प्रार्थना स्वीकार की और भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में आत्मदर्शन की स्थापना की तथा अलर्क प्रहलाद यदु हेहय आदि को विशेष रूप से इसका उपदेश दिया। इस प्रकार अत्रि तथा अनसुईया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में भगवान छठे अवतार के रूप में अवतरित हुए। अब सप्तम अवतार के विषय में श्लोक संख्या 12 में प्रभुपाद जी ने अपने अनुवाद एवं तात्पर्य में व्याख्या की है। ततः सप्तम आकुत्याम रुचोर्यज्ञोभ्यजायत सा या मध्ये सुरगणेर आपात स्वयंभुव अंतरम। ततः सप्तमे आकुत्याम रुचेर यज्ञ अभ्यजायत
सायामादे सुरगणे अपात स्वायंभुव अंतरम। शब्दार्थ तथा तत्पश्चात सप्तमे सातवां आकुत्याम आकुति के गर्भ से रुचे प्रजापति रुचि के द्वारा यज्ञ यज्ञ रूप में भगवान का अवतार अभ्य जायत अवतरित हुए सह वे यामाध्य यम इत्यादि से सुरगणे देवताओं के द्वारा आपात शासन किया। स्वयंभुव अंतरम स्वामभुव मनु का काल परिवर्तन मनवंतरम। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभुव मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्रदान की। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। जब ऐसे पुण्यात्माओं का अभाव होता है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा प्रजापति इंद्र आदि के रूप में अवतरित होकर शासन भार संभालते हैं। स्वयंभू मनु आधुनिक युग चल रहा है वो वैवस्वत मनु का है, तो स्वयंभू मनु के काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव नहीं था जो इंद्रलोक के राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सके। उस समय भगवान स्वयं इंद्र बन गए। यम आदि अपने पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान यज्ञ ने संसार का शासन संभाला। तो इस प्रकार से सप्तम अवतार जो बताया गया है भागवतम में वह यज्ञ अवतार है, जो कि प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र के रूप में भगवान अवतरित हुए। और यहाँ प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बड़ी सुंदर व्याख्या की है कि जब पृथ्वी का भार संभालने के लिए कोई उचित उस पद पर आसीन होने के लिए कोई उचित जीव नहीं मिलता है, कोई उचित ऐसी पुण्यात्माएं नहीं मिलती हैं, तब भगवान स्वयं उन पदों को स्वयं आकर उन पदों को संभालते हैं। तो हरे कृष्णा। इसी के साथ आज का नित्यम भागवत सेविया का यह सत्र हम समाप्त करते हैं। कल फिर हम श्लोक संख्या 13, 14 एवं 15 तीन श्लोक लेकर उपस्थित होंगे, जिन श्लोकों में अष्टम अवतार और नवे अवतार अष्टम नवम एवं दसम अवतार के रूप में भगवान के अवतारों का वर्णन है तीन श्लोकों में, तो वह हम कल आपके सम्मुख उपस्थित होकर बताएंगे और पठन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से आज्ञा चाहता हूँ। हरे कृष्णा। और आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आप सभी से पुनः एक निवेदन है कि जो नित्यम भागवत सेविया चैनल है
उसको कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल भी जैसा मैंने कहा था कि हमारा जो गोल है वो 50 सब्सक्राइबर का था, जिसमें सिर्फ 12 सब्सक्राइबर बाकी हैं, तो कृपया करके अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इसको सब्सक्राइब कर सकें, और नोटिफिकेशन जो बेल आता है उसको भी प्रेस कर दिया करें, ताकि जैसे ही हमारा सत्र स्टार्ट होगा आपको तुरंत एक सूचना प्राप्त होगी कि नित्यम भागवत सेवा का सत्र प्रारंभ हो चुका है, तो आप सभी लोग उस सत्र को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही मेरा आप सभी से विनय है। तो आप सभी का पुनः धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।